यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से किया गया भोजन वितरण। लॉकडाउन के चलते 24 तारीख से निरंतर गरीबों व असहाय लोगों को कर रहे हैं भोजन वितरण। 400 से 500 लंच पैकेट बनाकर चूहीपुर रेलवे स्टेशन एवं झकरकटी बस अड्डे के पास भोजन का वितरण करते हैं। भोजन वितरण के साथ साथ लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने एवं घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये मेरा नाम सुभाष सील है, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गाँव कार्यरत हूँ। ये रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी और यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से लगातार 24 तारीख से चल रहा है और आगे भी हम ये कार्यक्रम लगातार चलाते रहेंगे जब तक प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर कितने दिन तक अभी चलाएंगे लमसम जब तक फंड आता रहेगा हम लगातार चलाते रहेंगे। कहाँ कहाँ वितरण करते हैं, कितने लंच पैकेट बनाते हैं? लमसम 400 से 500 लंच पैकेट बनाते हैं और जो है ये जूही पुल के नीचे रेलवे स्टेशन एक नंबर और ये झकरकटी पुल घंटाघर के आसपास बनाते हैं। इस संस्था में कितने लोग? सभी हमारे स्टाफ ने सहयोग किया है, जिनके पास समय होता है वो आ जाते हैं, बाकी जो है सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद जब खाना वितरण करते हैं जनता से क्या अपील करते हैं इसके कोरोना वायरस के लिए? जनता से अपील करते हैं आप दूर दूर रहें और एक एक करके लेने आएँ, यही कोशिश करते हैं कि नज़दीक ना आए उनसे।